गर्मियों के दिन यहाँ पे चल रहे हैं और ऐसे गर्मियों के दिन में हम सभी को कहीं ना कहीं एक मिनी पोर्टेबल फैन की जरूरत हो सकती है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा मिनी फैन लेना सही रहेगा। इस वीडियो में मैं जो चार मिनी फैन यहाँ पे लेकर आया हूँ, इन सभी में अपनी खूबियाँ और अपनी कमियाँ है। इन सभी के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा कि कौन सा मिनी फैन में क्या क्या खूबी और क्या क्या कमी है। और एक खास बात, इन सभी की प्राइस 500 रुपये से कम है। इसका मतलब ये जो भी फैन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अंडर 500 में आने वाला है। इनको मैंने यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट से बाय किया है। इसका मतलब मैं लोकल मार्केट से इनको बाय करके लाया हूँ और इन सभी की जो प्राइस है मुझे 500 रुपये से कम पे करनी पड़ी है। हम बात करते हैं इन फैन के बारे में। अगर आपको एक स्पीड चाहिए तो ये मिनी फैन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको एक पोर्टेबल हैंडल चाहिए जिसके थ्रू आप कंफर्टेबल मिनी फैन को यूज़ कर सकें तो ये मिनी फैन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाला मिनी फैन चाहिए जिसके अंदर आपको LED लाइट में कुछ नेम टेक्स्ट होते हुए दिखे या फिर प्रिंट होते हुए दिखे तो ये मिनी फैन आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे इस मिनी फैन में एक खास बात ये है कि अपने आप में सबसे यूनिक फैन है। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। और इस मिनी फैन को मैं यहाँ पे इसलिए परचेस करके लाया हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है और इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाती है। बहुत सारी वीडियो में इसको बताया जाता है एक एयर कूलर, बट ये बेसिकली एयर कूलर नहीं है, ये एक मिनी फैन है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन फैन के बारे में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसके बारे में, फिर इसके बारे में। एक छोटी सी बात और, आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का यहाँ पर इंतजार करूँगा कि आपको कौन सा मिनी फैन यहाँ पर अच्छा लगा है स्पीड वाइज प्लस डिज़ाइन वाइज। इस वीडियो को आपको पूरा यहाँ पर देखना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा फैन आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। एक छोटी सी बात और मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस मिनी फैन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मेरे इस चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने इस फैन का गिव अवे किया है, जिसके अंदर मैंने अभी उसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं किया। तब जल्दी से उसमें पार्टिसिपेट करिए ताकि आप भी ये फैन जीत सके, चांसेस है कि आप ये फैन जीत सकते हैं। पर इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इन फैन के बाद। हम शुरुआत करते हैं इस मिनी फैन से। देखिए इस मिनी फैन में एक खूबी है कि इसकी जो स्पीड है या फिर इसका जो एयर फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी मिनी फैन से। तो इसके अंदर आपको तीन स्पीड मोड देखने के लिए मिलते हैं। ये फर्स्ट मोड है जो आप देख सकते हैं, ये सेकंड, यहाँ पे इंडिकेट होती है इसकी पावर, और ये थर्ड स्पीड मोड है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि थर्ड पे जो लाइट है या फिर LED लाइट है वो इंडिकेट होना शुरू हो चुकी है। इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से इसको मैंने यहाँ पे पहले नंबर पर रखा है। साथ साथ इसके अंदर आपको एक एमरजेंसी LED लाइट देखने के लिए मिलती है जिसकी फोकस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक लिथियम आयन बैटरी का यूज़ यहाँ पर किया गया है जो कि इसको 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप टाइम आराम से यहाँ पर दे सकती है। और ये लिथियम आयन बैटरी जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 180 से लेकर 200 रुपये तक आपको लोकल मार्केट में आराम से मिल सकता है अगर ये लोकल मार्केट में अवेलेबल हो तो। दूसरे नंबर का जो हमारा फैन है इसके अंदर ये खूबी है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा हमको एक हैंडल दिया गया है जिसके थ्रू आप इसको आसानी से अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं। साथ में ये जो नीचे का पोर्शन है आप इसको इस तरीके से यहाँ पर अलग भी कर सकते हैं जिसके थ्रू ये काफ़ी आसानी से आपके हाथ में होल्ड होने वाला है। इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो लिथियम आयन बैटरी का यहाँ पर यूज़ किया गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी अगर बैटरी बैकअप की मैं बात करूँ तो इसका बैटरी बैकअप भी 2 से 2.5 घंटे का आपको मिल जाएगा मिनिमम, ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ। वैसे तो 3 घंटे का दावा कंपनी करती है बाकी मैं मिनिमम आपको 2 से 2.5 घंटे बता रहा हूँ। इसके अंदर भी हमको 3 स्पीड मोड देखने के लिए मिलते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड मोड। ये सबसे हाईएस्ट या फिर कह लीजिए सबसे हाई स्पीड का इसका मोड है। इस फैन की खासियत ये है कि ये काफ़ी आसानी से होल्ड होने वाला है आपके हाथ में, साथ में आपको इसको किसी भी टेबल पर इस तरीके से रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे नंबर के फ़ैन के बारे में, और ये फ़ैन काफ़ी ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आता है क्योंकि ये फ़ैन जब चलता है तो इसके अंदर कुछ नाम या फिर कह लीजिए कुछ टेक्स्ट प्रिंट होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ARMA और जो टेक्स्ट है वो प्रिंट होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमको एक बटन दिया गया है जिसके थ्रू ये ऑन होता है। एक चीज़ जो इसके अंदर मुझे कमी लगी है वो ये है कि इसके अंदर किसी भी तरीके की हमको बैटरी नहीं दी जाती है, रिचार्जेबल बैटरी। इसके अंदर अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको AAA बैटरी यहाँ पर लगानी पड़ेगी जो कि छोटे साइज में होती है। ये 4 बैटरी इसके अंदर लगती है। उसके साथ साथ इसके अंदर अगर आप डायरेक्टली इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के चार्जर के थ्रू भी यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये चार्जेबल मिनी फैन नहीं है, जैसा कि ये जो फैन था ये चार्जेबल था, पर ये भी ये जो फैन है ये चार्जेबल नहीं है। फ़ोन करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक बटन है जिसके थ्रू ऑन हो जाता है और आप देख सकते हैं हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और ये काफ़ी अच्छी लुकिंग और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है। अगर मैं इसके ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन के साथ ही हमारे पास आता है। ये काफ़ी आसानी से किसी भी टेबल पर होल्ड होने वाला है। इसका मतलब एक यूनिक गैजेट है। अगर आप इसको गिफ्ट में इस तरीके का फैन देना चाहते हैं तो इससे अच्छा गिफ्ट मेरी नज़र में कुछ नहीं हो सकता इस टाइम पे। इसके बेस्ट बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी और चौथे मिनी फैन के बारे में। देखिए इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा गलत वीडियो बनाए गए हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं किसी को भी यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ और किसी का भी नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, पर बहुत से वीडियो में कहा जाता है कि ये एक एयर कूलर है। बेसिकली ये एयर कूलर नहीं है, ये एक मिनी फैन है। इसके अंदर हमको एक सेपरेट अपार्टमेंट देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर इसकी यहाँ पे डेटा केबल हमको दी गई है। बेसिकली ये एक चार्जिंग केबल है जो कि आप डेटा केबल के थ्रू इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। माफ़ करिएगा ये थोड़ा यहाँ पे अटक चुका है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। मैं इसको बाय करके यहाँ पे लाया ही था और मैं भी आपके साथ साथ इसको पहली बार ही यहाँ पे देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर रखा है इसके बारे में, इसलिए मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। इस टाइप के यहाँ पे केबल आपको देखने के लिए मिलेगी जिसके थ्रू आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक रिचार्जेबल मिनी फैन नहीं है, या तो ये बैटरी के थ्रू चलता है या फिर ये पावर सप्लाई के थ्रू चलता है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप लैपटॉप कंप्यूटर डायरेक्टली जो आपका चार्जर है उसके थ्रू भी आप इसको यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे बेसिकली पता नहीं देखिए क्या है इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा और मुझे माफ़ करिएगा कि मुझे पता नहीं इस बारे में कि वो क्या चीज़ थी। इसके साथ साथ यहाँ पे ये अटैच देने के लिए दिया गया है। बेसिकली इस फैन में ये बोला जाता है कि अगर इसके अंदर आप पानी भर के इन गोलियों को यहाँ पर डालते हैं तो ये आपको ठंडी हवा देगा, पर ऐसा नहीं है। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो किसी भी तरीके का हमको एयर फ्लो सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है। इसका जो एयर फ्लो सिस्टम है वो यहाँ पे साइड में है। इसका मतलब अगर इसमें आप बर्फ़ ही क्यों ना रख दें इसमें से ठंडी हवा नहीं निकलने वाली क्योंकि इसके अंदर एयर फ्लो यहाँ पे है ही नहीं। ये सबसे बड़ी यहाँ पे बात है इस मिनी फैन के बारे में जो कि अधिकतर यूट्यूबर आपको नहीं बताते हैं। एयर फ्लो सिस्टम यहाँ पे ये है तो इसके थ्रू ही आपको हवा देगा। अगर बैक साइड की हम बात करें तो यहाँ पे इस केबल को आप अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे जो डबल ए की बैटरी आती है जो कि बड़े सेल होते हैं जो कि हमारे जनरली बड़े रिमोट में लगते हैं उसको उसके थ्रू भी आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये फ़ैन हमारे पास आने वाला है। अगर इसकी मैं एयर फ्लो की बात करूँ तो वो भी काफ़ी एवरेज है। इसकी एयर फ्लो के मुकाबले इसकी जो एयर फ्लो कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज है। इसको मैं एक बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे कहूँगा क्योंकि इसकी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बाकी ये एयर कूलर नहीं है, ये एक मिनी फैन है। तो ये हमारे चार मिनी फैन थे जैसा कि आपने देख लिया है। इन चारों में अपनी अपनी खूबियाँ और अपनी अपनी कमियाँ है जैसा कि आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो आपको कौन सा मिनी फैन यहाँ पे पसंद आया है ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर यहाँ पे बताइए। अगर आप इन फैन को ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक दी है अमेज़ॉन की, जहाँ से आप इनको आसानी से ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। अगर आपके लोकल मार्केट में ये फ़ैन अवेलेबल नहीं है, मान के चलिए ये जो फ़ैन है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो ये हर एरिया में या फिर हर लोकल मार्केट में इजी अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं ऑनलाइन तो इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ इन सभी की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिनको चेकआउट करना आप मत भूलिएगा। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं इन फैन के बारे में, आप वहाँ पर जाके बाय भी कर सकते हैं इन फैन को। कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा मिनी फैन यहाँ पे पसंद आया। ये कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अगर पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस टाइप के जो यूनिक फैन है, यूनिक गैजेट है, इनके ऊपर वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।